यूनिट 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। इस यूनिट में हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज फिजिक्स, और ये भी हम देखेंगे कि फिजिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल ब्रांच ऑफ साइंस, और हार्डली ही आप कोई ऐसी डिवाइस देखेंगे जिसमें फिजिक्स अप्लाई होती हुई हमें नजर ना आए। द नेम ऑफ द यूनिट इम्प्लाइज दैट, इस यूनिट जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड है, एक जो है फिजिकल क्वांटिटीज हैं एंड सेकंड इज मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे कि उसकी कितनी टाइप्स हैं, जिसमें बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, और इनके यूनिट्स हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो डिस्कस होगा। आफ्टर दैट हम ये सीखेंगे कि जब क्वांटिटीज हमारी मेजरमेंट्स के अंदर काफ़ी बड़ी या बहुत छोटी आ रही हों तो उस टाइम पे हम उनके साथ कैसे डील करते हैं, इजीली हम कैसे बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ को और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ को लिख सकते हैं। उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं प्रीफिक्सेस की। आफ्टर द प्रीफिक्सेस वी विल डिस्कस साइंटिफिक नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन आप मैथ्स में भी पढ़ते हैं। और इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बाद हमारा सेकेंड पार्ट जो है इस यूनिट का स्टार्ट होगा, जिसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में दो इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो शायद ही आपने इससे पहले देखे हों या यूज़ किए हों, दैट आर वर्नियर कैलिपर एंड स्क्यू गेज। दीज आर ऑल्सो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, बट इनकी एक्यूरेसी जो है और प्रिसीजन जो है वो एज कम्पेयर टू मीटर रूल या हमारी मीटर टेप जो है उनसे काफ़ी ज़्यादा है, जो हमारी बहुत स्मॉल लेंथ हमें मेजर करनी होती है मिलीमीटर्स में, माइक्रोमीटर्स में, वो हम इन डिवाइसेस से, इन इंस्ट्रूमेंट से जो है इजीली मेजर कर सकते हैं। दिस इज़ वर्नियर कैलिपर, जिससे हम आउटर एंड इनर डायामीटर जो है वो इजीली मेजर कर सकते हैं। It has two jaws, outer and inner jaws. Depth भी हम मेजर कर सकते हैं इसी इंस्ट्रूमेंट से। This is a screw gauge, इसकी एक्यूरेसी जो है वो हमारे वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा है। हम इवन अपने इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स हैं, एक तो इसका आउटर कवर होता है और दूसरी उसके अंदर वायर्स होती हैं जो कॉपर की होती हैं, हम उन वायर्स का डायामीटर भी इस स्क्रू गेज से इजीली मेजर कर सकते हैं। इन दोनों डिवाइसेस को, दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज को हम यूज़ करना भी सीखेंगे अपने इसी यूनिट 1 में। इसी यूनिट में हम ये भी सीखेंगे कि किस टाइम पे हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, बेस्ड ऑन द लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। कब मीटर रूल हमारे लिए ज़रूरी है, किस टाइम पे मीटर रूल काम नहीं देगा, वर्नियर कैलिपर हमने यूज़ करना है। एंड एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरिंग क्वान्टिटी और इन अ मेजरमेंट। इस यूनिट के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपने 8th क्लास में मेजरमेंट का टॉपिक पढ़ा होगा, वहाँ से लिए गए, और 9th क्लास के मैथ्स में साइंटिफिक नोटेशन का एक टॉपिक है जो हमारे इस टॉपिक के साथ भी रिलेट कर रहे हैं। और आगे हम इसकी एप्लीकेशन देखना चाहें या इसकी फर्दर स्टडीज़ देखना चाहें तो हमारे फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स की बुक में मेजरमेंट का चैप्टर है, वहाँ पर जाके हमें इन इंस्ट्रूमेंट्स की और जो जो डिस्कशन और जो कॉन्सेप्ट्स इस यूनिट के अंदर आ रहे हैं वहाँ पे फर्दर डिटेल में डिस्कस होंगे। दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टडी दिस यूनिट वेरी सीरियसली। एट द एंड ऑफ दिस यूनिट वी विल बी एबल टू कंपेयर द लीस्ट काउंट एंड एक्यूरेसी ऑफ डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स।
जितने भी हमारे इस यूनिट के अंदर डिस्कस होंगे, और इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट ले सकेंगे। मेजर कॉन्सेप्ट्स जो हमारे इस यूनिट के अंदर आने हैं वो यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स इज आवर फर्स्ट टॉपिक। फिजिकल क्वांटिटीज़, जो हमने अभी स्टार्ट में बात की है कि डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हम डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, प्रीफिक्सेस जो यूज़ होती हैं हमारी वेरी लार्ज क्वांटिटीज़ और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। साइंटिफिक नोटेशन है और नंबर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और एट द एंड हमारे पास टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। दिस इज़ अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट 1, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट।